नमस्कार, मैं उमरा जी और मेरे साथ जुड़ रहे हैं विकास सेठी जी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। बाजार में आज हफ्ते का पहला दिन जो है थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा। दिन भर लोगों को समझ में नहीं आया कि बाजार की दिशा क्या रहनी है। अंत में थोड़ा सा हरियाली नजर आई, लेकिन अंत होते होते कुल मिलाकर के सपाट रुझान। मिड कैप स्मॉल कैप दबाव में रहे, लेकिन वैसी दहशत नहीं दिखी जैसे पिछले हफ्ते थी। तो नए हफ्ते की शुरुआत से आप क्या संकेत ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल राजीव जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में इनवाइट करने के लिए। बाकी जिस तरह का बाजार पिछले वीक था, मतलब जो बाजार में कमजोरी का माहौल बना था पिछले कुछ दिनों से, वो बरकरार है वैसे। हालांकि हमने बुधवार को तो एक पैनिक देखा बाजार में, फिर थर्सडे को थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, और जिसका ऐसे अंदाजा भी था आमतौर पे मार्च के महीने में। शेयर बाजारों में, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप्स में, ये गिरावट रहती है बिकॉज लोगों के ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होते हैं, या फिर आपके जो मार्जिन फंडेड जो पोजीशन है वो लिक्विडेट होती है, या टैक्स के कारण एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए होता है। बाकी इस बार कुछ दो नए चीजें भी थी। एक तो जो सेबी ने एक स्ट्रेस टेस्ट का रखा था मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स के लिए, तो वो एक, मुझे लगता है वो भी एक कारण था बड़ा। और दूसरा, एनमी ने भी जो एक कॉशियस अप्रोच रखने को कहा मिड कैप स्मॉल कैप फंड को, तो उसका एक असर देखने को मिला। बट ऑल इन ऑल गया हफ्ता एक बात हो गई। अब आज देखेंगे तो निफ्टी में जहां फैग एंड में थोड़ी बहुत बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब हुआ, बट मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी गिरावट थी, पैनिक जैसा कुछ नहीं था। बट मेरा ये पर्सनली मानना है कि ये जो गिरावट चल रही है, जो भी मैंने कारण बताया, ये सब टेक्निकल कारण है, फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि ठीक है, वैल्यूएशन थोड़े एक्सेसिव हो गए थे वहां पे, ये करेक्शन के बाद अब वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो जिनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस फंड्स हैं उनको डिप्लॉय करने का एक अच्छा मौका है। आई डोंट मीन टू से कि यहाँ से बाजार में या मिड कैप स्मॉल कैप में 5-10% और नहीं जा सकते, डेफिनेटली जा सकते हैं, वन कैन नॉट एवर प्रिडिक्ट द बॉटम, बट इन लेवल्स पे एक स्टेगर्ड रूप में बाइंग शुरू करनी चाहिए। और मुझे लगता है बाई इन द नेक्स्ट 3 months देयर इज मनी टू बी मेड इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। रीजन सब आपके सामने है। एक बार ये मार्च एंड ईयर एंड हो जाएगा, उसके बाद हम वही इलेक्शन की बातें करेंगे, वही बजट की बातें करेंगे। सो आई रिमेन बुलिश इन दिस मार्केट, एंड दिस फॉल इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू गुड क्वालिटी स्टॉक्स। जी, तो क्या सेठी जी आपको ये लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में आगे कोई मतलब बड़ा कार्नेज जैसा, कोई बहुत बड़ी बिकवाली जैसा कुछ नहीं होने वाला है? जो एक झटका लगना था लग चुका है और अब यहाँ से धीरे धीरे संभलेंगे। नहीं, वही बिल्कुल जो पिछले वीक या 10 days में, मतलब एक तो हमने वेडनेसडे को बड़ा फॉल देखा, बट उसके पहले भी मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी गिरावट चल रही थी। तो आमतौर पे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में भी 25-30% के करेक्शन अपने हाइट से हो गए हैं, विच इज अ गुड सिग्निफिकेंट सब्सटेंशियल करेक्शन, जो हमने पिछले साल भर में नहीं देखे थे, उस तरह के करेक्शन हो गए हैं। तो मुझे लगता है उस तरह के अब बाजार में गिरावट तो नहीं लगती। बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत और करेक्ट हो सकता है, फर्ज करो कल आप लो और उसके बाद वो 5% स्टॉक जरूर डेफिनेटली गिर सकता है, बट मुझे और कोई पैनिक नहीं लगता। मुझे लगता है ये जो भी सेलिंग होनी थी, जो भी एडजस्टमेंट होने थे, या जो वीकर हैंड्स के जो बाहर निकलने का था, वो सब सब हो चुका है, और यहाँ से मैं अपसाइड के लिए प्ले करना चाहूंगा। और मुझे लगता है एक स्टेगर्ड अप्रोच अपनानी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, थोड़ा और गिर सकता है, तो वहां पे और आप ऐड करने को, एवरेज करने को आपके पास फंड्स होने चाहिए। सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि क्वालिटी शुड बी गुड, स्टॉक्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जिन मिड कैप स्टॉक्स में आप कुछ दिन पहले यहाँ से 20-30% ऊपर लेने को तैयार थे और वो आप ले नहीं पा रहे थे बिकॉज वो मौका नहीं दे रहा था, वहां पे जब अब मौके मिल रहे हैं तो उस मौके को बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। तो मेरा व्यू यही है। जी, तो सेठी जी, क्या ये जो झटका लगा पिछले हफ्ते, क्या ये एक रिमाइंडर था कि ठीक है, अभी तक बाजार में आप कुछ भी देख रहे थे वो चल रहा था, लेकिन अब यहाँ से आपको क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा, भले ही आप मिड कैप स्मॉल कैप के स्पेस में हैं, और वहां अगर आप हैं तो अब यहाँ से आगे क्वालिटी पे और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज कैप में तो पहले से ही एक तरह से आपको इनबिल्ट क्वालिटी मिल जाती है, तभी वो लार्ज कैप में। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में अब आपको अपने स्टॉक सिलेक्शन पर क्या पहले से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा? देखिए राजीव जी, मैं तो हमेशा से इसी पक्ष में हूं कि जब भी ये इस तरह का बाजार हो, या यूफोरिक बाजार हो, या तेजी वाला बाजार हो, अपनी स्टॉक्स की क्वालिटी पे तो ध्यान देना ही है, फोकस करना ही है। इट्स योर हार्ड एंड मनी, यू शुड रिसर्च योर ओन स्टॉक्स, जो हम भी बोलते हैं कई टीवी चैनलों पे, बट उनको भी अपने तरीके से उसको रिसर्च करना चाहिए। और
ध्यान देना चाहिए। तो क्वालिटी पे तो बिल्कुल 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 सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है द मार्केट्स कैन रिमेन सबड्यूड फॉर सिग्निफिकेंट टाइम, बट उस दौरान भी अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी, बिकॉज हमेशा मैं कहता हूँ निफ्टी हो या इंसान अल्टीमेटली ऊपर जाना है, तो स्टॉक्स अच्छी क्वालिटी के रहेंगे। तो इंडिया इज अ ग्रेट लॉन्ग टर्म स्टोरी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यू माइट हैव बॉट समथिंग एट अ, मतलब आप ऊपर के लेवल पे ले भी लेते हो, बट अगर क्वालिटी स्टॉक है तो होल्ड करेंगे तो मीडियम से लंबी अवधि में पैसे बन जाएंगे।